जयपुर से बड़ी खबर, जयपुर एसीबी मुख्यालय से बड़ी खबर आ रही है, जहां गृह रक्षा केंद्रों में तैनात स्वयंसेवकों से ड्यूटी लगाने की आवेज में घूस ली जा रही है। एसीबी की प्राथमिकी जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोपी घूस की राशि स्वयंसेवक और प्लाटून कमांडर के मार्फत ले रहे थे। आरोपी घूस की राशि को अफसरों को ट्रांसफर करते थे। गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र पाली और अजमेर के उपकेंद्र सुमेरपुर व केकड़ी में कार्यरत स्वयं सेवकों से ड्यूटी लगाने की अवेज में प्रतिदिन के हिसाब से घूस ली जा रही थी। एसीबी को जून 2024 में इसकी एक शिकायत मिली थी। शिकायत की प्राथमिकी जांच के बाद अब एसीबी ने गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र पाली के कंपनी कमांडर अर्जुन सिंह, समादेष्टा रवि व्यास और प्लाटून कमांडर नागाराम और अजमेर के कंपनी कमांडर शिवशंकर और स्वयंसेवक मुकेश राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले की महानिदेशक गृह रक्षा विभाग द्वारा विभागीय जांच करवाई जा रही है। एसीबी ने जांच रिपोर्ट को भी प्राथमिकी जांच में शामिल कर अनुसंधान किया था। एसीबी मुख्यालय से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां ड्यूटी लगाने की अवेज में स्वयंसेवकों से घूस ली जा रही थी। मामले की महानिदेशक गृह रक्षा विभाग द्वारा अब विभागीय जांच भी कराई जा रही है। एसीबी ने जांच रिपोर्ट को भी प्राथमिकी जांच में शामिल कर अनुसंधान किया था। तो ड्यूटी के अवेज में घूस लेने का ये मामला एसीबी के प्राथमिकी जांच में खुलासा हुआ। गृह रक्षा केंद्रों में तैनात स्वयंसेवकों से ड्यूटी लगाने की अवेज में यहां घूस ली जा रही थी। तो एसीबी की प्राथमिकी जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ। आपको बता दें, गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र पाली और अजमेर के उपकेंद्र सुमेरपुर और केकड़ी में कार्यरत स्वयंसेवक, जिनसे ड्यूटी लगाने की अवेज में रिश्वत ली जा रही थी। समादेष्टा रवि व्यास और प्लाटून कमांडर नगाराम के अतिरिक्त भी लोगों के खिलाफ मुकदमा एसीबी ने दर्ज किया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे विशेष संवाददाता ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश, क्या कुछ अपडेट इस खबर पर? घूस का बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया है एसीबी ने। देखिए, गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र है जो पाली में है, तो उसका एक उपकेंद्र है सुमेरपुर में। तो पिछले दिनों जून महीने में एसीबी को शिकायत मिली थी कि जो वहाँ के अधिकारी हैं, प्लाटून कमांडर और जो कंपनी कमांडर, जो जो स्वयं सेवक कार्यरत रहते हैं, जो उनकी ड्यूटी विशेष मौकों पर लगाई जाती है, उनसे ड्यूटी लगाने की अवज में प्रतिदिन के हिसाब से उनसे कमीशन लिया जाता है। यानी पर डे की माने तो अपन करीब 700 रुपए स्वयं सेवक को पर डे की भुगतान किया जाता है। उनमें से आधे पैसे जो ये अधिकारी है उनसे ले लेते थे ड्यूटी लगाने की अवज में। तो इस संबंध में जून महीने में एसीबी ने एक प्राथमिकी जांच के बाद में दर्ज करके उसकी जांच की, तो सामने आया कि जो प्लाटून कमांडर है, जो अनैतिक वेतन पर कार्यरत था नगमाराम, उसके द्वारा ड्यूटी की अवज में जो स्वयं सेवक थे उनसे अपने खुद के फोन पे पे और नगद, जो कंपनी कमांडर है अर्जुन सिंह उसके लिए, और जो समादोष्टा एक पद होता है उस पर रवि व्यास तैनात थे, उनके लिए घूस की राशि ले रहे थे कमीशन की पर डे के हिसाब से। तो इस संबंध में एसीबी ने प्राथमिकी जांच की और इस जांच के दौरान सामने आया कि एक और परिवाद एसीबी को मिला कि जो गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र अजमेर, उसका उपकेंद्र केकड़ी है, वहां पर तैनात कंपनी कमांडर शिवशंकर पारिक भी जो गृह रक्षा स्वयंसेवक होते हैं उनसे मुकेश राव। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए।